दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो छज्जे के लिए खिड़की पे जो हम झाँप बनवाने के लिए लगवाए थे शटरिंग, इसमें आप लोग देख सकते हैं डिजाइन बन गया है। इससे होगा क्या कि आपका झाँप भी अच्छा दिखेगा और ढालते वक्त आपको कोई रोक फोक नहीं लगाना पड़ेगा। इससे बनवाने से आपका दो फायदा हो जाएगा। पहला फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी खिड़की के ऊपर जो झाँप बनेगा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये कि ढालते वक्त आपको कुछ रोक वोक नहीं लगाना है, सीधा ले आए बस ढाल दिए जाल बांध के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर बन गया है, और आगे आपको दिखा दूँ इधर एक बन गया है। जैसा कि देख सकते हैं सीधा सीधा आप लोग बनवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो टेढ़ा मेढ़ा और इधर उधर बनवा देते हैं बहुत ताम झाम, वो ठीक रहता नहीं। तो आप लोग सादा सैंपल बनवाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। जैसा देख सकते हैं सादा सैंपल बना है, कितना अच्छा लग रहा है। आगे मैं दिखा दूं, हमारे दिनेश मिस्त्री जो बना रहे हैं, स्टैंडर्ड मिस्त्री हैं, लगे हैं, देख सकते हैं उधर आराम से बैठे हैं, बैठ कर बना रहे हैं। जो कि डिजाइन इनसे कुल आती है बनाना, लेकिन ये जो है कभी कभी बनाते हैं, जब आती है डिजाइन तभी बनाते हैं, कहीं और जाते नहीं, अपने साइड पर बनाते हैं। तो बना रहे हैं, लगे हैं सुबह से, दो बना दिए हैं, तीसरा बना रहे हैं, दिखा दूं आप लोगों को। पहला ये बनाए, मैं अभी अभी आ रहा हूं, देख रहा हूं। तो पहला इधर बना दिए हैं और दूसरा इधर बनाए हैं, जो कि शाइनिंग अच्छी है, सूत साहुन बनाए हैं, फिर बना रहे हैं उधर भी सूत ऊत लगा कर अपना, देख सकते हैं। इधर लगे हैं हमारे गांधी वकील साहब लगे हैं, देख सकते हैं। उधर पाल जी ढो रहे हैं ईंटा आराम आराम से, ये पावा बना रहे हैं ये लोग 18x9 का। गांधी आज बन जाएगा, चलो ठीक है।